हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 1 सितंबर 2022। तो ये पीपीटी देख करके घबराइए नहीं, कोई हम नया तरीका नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी के दिन द हिंदू का जो एडिशन है, पीडीएफ एडिशन, वो आया नहीं है, और इनफैक्ट उन्होंने वेबसाइट भी अपडेट नहीं किया। तो हम जो है वो अलग अलग सोर्सेज के पूरा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, हिंदू का भी है इसमें, इंडियन एक्सप्रेस का भी है, और काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हम आज डिस्कस करने का हमको मौका मिला। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके लिए ज़रूरी है फॉर द योर प्रीलिम्स प्रैक्टिस। तो जैसा कि पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, विद रेफरेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द एक्ट इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑन बैंकिंग कंपनीज एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड फर्निश इंफॉर्मेशन टू फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो आपको बताना है कि एक्ट जो है वो बोलता है कि भाई जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं, ये हैं अपने क्लाइंट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं, आइडेंटिटी है, वो किसके साथ क्रॉस चेक करें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ। दूसरा लिखा है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये। ठीक, अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा, द थर्ड स्टेटमेंट इज, ऑर्डर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन बी अपील्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आपको बताने कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, वन ओनली, वन टू थ्री, टू ओनली या टू थ्री। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है टू एंड थ्री, यानी कि डी विल बी द आंसर फॉर दिस। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक्ट जो है वो मतलब कि ये ऑब्लिगेशन लगाता है बैंकिंग कंपनीज पे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, कि वो वेरीफाई करें आइडेंटिटी क्लाइंट्स की, रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। ठीक है ना, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जैसे लिखा है कि इट इज़ बाउंडेड बाय द बाउंडेड बाय प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, हालांकि याद रखिएगा कि उसका जो अपॉइंटमेंट होता है PMLA में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, वो जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना, एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, एंड लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट इट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। है ना, तो 1908 से तो बाउंडेड नहीं रहती है, लेकिन इट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये जरूर याद रखेगा। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था, ऑर्डर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन बी अपील्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट कैन बी अपील्ड इन द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट एज वेल। ठीक है ना, तो जो भी अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट है, मतलब कि अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट का मतलब जिस ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा होगा, तो वहाँ पर कर सकते हैं, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन वाई यहाँ दो और तीन जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। आगे मूव करते हैं, अगला सवाल है, डार्क शिप्स न्यूज़ में थे, तो आपको बताना है किस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में थे, ए बॉटम ट्रॉलिंग, बी पायरेसी, सी अनडिटेक्टेबल वेसल्स या डी कार्गो। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी अनडिटेक्टेबल वेसल्स। तो एक तरीके से ये डार्क शिप्स वो हैं जो कि अनडिटेक्टेड निकल जाते हैं, अनडिटेक्टेबल वेसल्स जो होते हैं वो डार्क शिप्स के अंतर्गत आते हैं। दैट इज अगेन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। है ना, स्टेटमेंट्स हैं, पहला फिशिंग कैट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ टिपिकल हाउस कैट बट इज नॉक्टर्नल इन नेचर। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये लगभग उसी साइज की होती है, लेकिन नॉक्टर्नल होती है। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज फाउंड इन द फुट्स ऑफ द हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है ना, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स के उसमें पाया जाता है ये। तीसरा है, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से है जो कि सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ एक एक करके। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है वो देखो गलत स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है, इट इज़ नॉट टिपिकली ऑफ दैट साइज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ दैट साइज, इसकी जो साइज है वो थोड़ा बड़ी रहती है। तो अगर कोई आपसे पूछो तो याद रखिएगा, इट इज़ अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द टिपिकल हाउस कैट। तो हाउस कैट की ट्वाइस साइज का होता है ये। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फिशिंग कैट्स मेनली फाउंड होता है इन द मैनग्रूव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस, इन द फुदल्स ऑफ हिमालयाज, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले उसमें, अलॉन्ग द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली एंड ऑल। है ना, तो ये आप सही है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है कि इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। यस, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लास्ट के, तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
एंड वर्ल्ड का पहला फिशिंग कैट सेंसस जो हुआ था वो चिल्का लेक में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। वर्ल्ड का पहला फिशिंग कैट सेंसस हुआ था कहाँ पे? चिल्का लेक में, ठीक है। दैट इज अगेन अ वर्थ थिंग टू रिमेंबर। नाउ आज का सीसैट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसैट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट दिया है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फैटल मलेरिया टाइप, ठीक है ना, कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ इन वार्ड एक्स ऑफ अ सिटी आर डायग्नोस्ड विद द डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम फैटल मलेरिया टाइप। अब आपको यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन लिखा है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो पहला लिखा है, द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। दूसरा लिखा है, द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, है ना। तो ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलो, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, बोथ वन एंड टू फॉलो। तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस बस करिए, आप इसका आंसर बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, बताइएगा अच्छे से करके, ठीक है ना। अब आकर के आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। सबसे पहला इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली भांग का एक केस आया था जिसमें जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने एक व्यक्ति को जिसके पास लगभग 29 किलो भांग पाई गई, पजेसिंग 29 केजीज ऑफ भांग, ही वॉज ग्रांटेड बेल। अब यहाँ ग्रांट जो NDPS एक्ट के अंतर्गत उसको चार्ज किया गया था, और NDPS एक्ट में जो कि बेल का प्रोविजन है नहीं इतना ईजिली, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन टू प्रूफ, क्योंकि इसमें NDPS एक्ट में मैंने आपको पहले भी था कि NDPS एक्ट में क्या होता है, आपका प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का मतलब होता है यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो NDPS एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां पर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, है ना। इसके साथ मैंने आपको कल और बताए थे बहुत सारे, जिसमें आपका UAPA एक्ट है, जैसे आपका PMLA एक्ट है, PMLA एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें भी presumption of guilt होता है ना, you have to prove that you are innocent, है ना, otherwise you will be treated as a guilty person। तो यहाँ पे दो पुराने cases थे actually, क्यों कर्नाटका ने इसको bail दी इस व्यक्ति को, तो उसका हम discussion कर लेते हैं। तो दो cases हैं, मधुकर versus state of महाराष्ट्र 2002 का केस है, और अर्जुन सिंह versus state of हरियाणा 2004 का केस है। प्लीज राइट डाउन, मधुकर versus द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 एंड अर्जुन सिंह versus द स्टेट ऑफ हरियाणा 2004। इन दोनों में ये कहा गया था कि भांग जो है वो गांजा नहीं है, भांग इज सेपरेट फ्रॉम गांजा एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द NDPS एक्ट, क्योंकि NDPS एक्ट कहीं पर भी ये नहीं लिखता है कि भांग जो है वो प्रोहिबिटेड आइटम है। लेकिन अब भांग जब लिखा ही नहीं NDPS में, तो फिर चार्ज क्यों किया गया, है ना। सवाल तो ये भी आता है कि चार्ज क्यों किया गया, तो चार्ज सिंपल सा रीजन है इसलिए किया है क्योंकि जो भांग का प्रिपरेशन है, भांग का प्रिपरेशन होता कैसा है, भांग का प्रिपरेशन होता है कैनबीस से। तो याद रखिएगा, जो भांग का प्रिपरेशन है, भांग इज ए एडिबल प्रिपरेशन विच इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैनबीस प्लांट, है ना। तो याद रखिए कैनबीस प्लांट से ही बनता है, एंड कैनबीस जो है वो NDPS में जरूर प्रोहिबिटेड है। तो दैट इज द रीजन वाई भांग को इस केस में, या इस व्यक्ति को पकड़ा गया था। भांग इज एन एडिबल प्रिपरेशन, किससे बनता है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैनबीस प्लांट। अब ये बनता है लीव्स ऑफ द कैनबीस प्लांट से। अब NDPS एक्ट की अगर हम बात करें, तो NDPS एक्ट 1985 में था, है ना। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट बोलते हैं इसको, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। ये बेसिकली लेजिस्लेशन डील करता है ड्रग ट्रैफिकिंग से, जो अलग अलग प्रोविजन से उसके मैन्युफैक्चर, सेल, प्रोडक्शन, पोजेशन, कंजम्पशन, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों को बैन की, मतलब जो बैंड आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स हैं जिनको बैन किया गया है उसके, फिर इन सब के अंदर अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी मिली तो आपको फिर उसके अंदर क्रिमिनलिटी चार्ज की जाती है। तो इस लिस्ट में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि एक है कौन कौन से पार्ट हैं प्लांट के जो आते हैं इस एक्ट के परव्यू में, जैसे चरस है, है ना, द सेपरेटेड रेजिन इन वॉट एवर फॉर्म वेदर क्रूड और प्यूरिफाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैनबीज प्लांट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रेजिन नोन एज हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश। याद रखिएगा, द सेपरेटेड रेजिन इन वॉट एवर फॉर्म वेदर क्रूड और प्यूरिफाइड, चरस विल बी द फर्स्ट थिंग। गांजा जो है, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबीज प्लांट, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबीज प्लांट से बनता है गांजा आपका, ठीक है ना। तो जिस भी नाम से होगा ये, वो डेजिग्नेटेड है। फिर एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, है ना, ऑफ एनी ऑफ द अबव फॉर्म्स, है ना। तीसरा ये है, लेकिन द एक्ट इन ए डेफिनेशन एक्सक्लूड द सीड्स एंड लीव्स, मतलब द एक्ट जो है अपने डेफिनेशन में
लिखा है देखो साहब साहब, एक्ट इन इट्स डेफिनेशन एक्सक्लूड्स द सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकंपनीड बाय द टॉप, मतलब कि व्हेन नॉट अकंपनीड बाय द टॉप्स, ऊपर के अगर इंक्लूड नहीं है, केवल सीड और लीव्स हैं अगर, तो उसको नहीं इंक्लूड किया गया। तो भांग जो होता है वो लीव से बनता है, देयरफॉर इट इज नॉट मेंशनड इन द एनडीपीएस एक्ट, ठीक है ना। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड, एंड इसी कारण से यहाँ पे वो दे दिया गया। कैनबीज से क्रिमिनलिटी जरूर है, सेक्शन 20 बोलता है एनडीपीएस एक्ट का, इट लेज द पनिशमेंट फॉर द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर सेल परचेज इंपोर्ट एंड इंटरस्टेट एक्सपोर्ट ऑफ कैनबीज एज डिफाइंड इन द एक्ट, द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट इज बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ ड्रग सीज्ड। तो कैनबीज के प्रोडक्शन में जरूर पनिशमेंट है सेक्शन जो 20 एनडीपीएस एक्ट का उसके अंतर्गत। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, सीखने में मिला होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है हरिद्वार इज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग निकाल कौन रहा था, तो पहला सवाल तो ये आता है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग निकाल रहा था आपका नीति आयोग, तो नीति आयोग वॉज गेटिंग दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको कि डेवलप करने का मुहिम उठाई थी उसने नीति आयोग ने, है ना। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2018, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसके बेसिस में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। अब जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए उसको और दिए जाएंगे। तो जैसे हरिद्वार है कम्स इन उत्तराखंड, उसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टाइटल दिया गया है। तो याद रखिएगा पैरामीटर्स जो थे बेसिकली किस बेसिस पे किया गया, तो द 5 पैरामीटर्स वर देयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कौन कौन से, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, दूसरा एजुकेशन है, देन फिनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग किसने निकाली है, नीति आयोग ने निकाली है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब तीसरी न्यूज़ और एक बड़ी न्यूज़ आज की है, वो है फॉर्मर सोवियत लीडर मिखाइल गोबराचेव डाइज। अब मिखाइल गोबराचेव की डेथ हो गई है और उसको स्टेट ऑनर भी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या भैया क्या दिक्कत है पुतिन को, जो उसने मिखाइल गोबराचेव जो कितना बड़ा लीडर है जिसने कहते हैं कोल्ड वॉर ख़त्म करवा दिया, उसको स्टेट ऑनर्स भी नहीं दे रहा है, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो रीज़न इसका सिंपल सा ये है, मिखाइल गोबराचेव का जो करतूत रही है वो रशिया के फेवर में नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता था कि रशिया जो था वो जो आपका कोल्ड वॉर था उसकी एक मेजर पावर थी, ठीक है ना, यूएसएसआर था तब वो, तो और ज्यादा कंट्रीज उसके अंतर्गत थी। मिखाइल गोबराचेव जो है वो बनता है वहां पे पावर में आता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन में 1985 में। अब हो क्या रहा था, मैं आपको थोड़ा 1985 के पहले की कंडीशन बताऊं, तो 1985 के पहले कंडीशन ये हुई थी कि सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान का, जिसमें उनका जो पूरा सिस्टम है हिल गया था, है ना। सोवियत ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में पूरा, वहाँ बहुत पैसा खर्चा किया उन्होंने, बहुत सारा। दूसरा, वो कैपिटलिज्म के फेवर में थे नहीं, तो इसलिए टेक्नोलॉजिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतने ज़्यादा साउंड नहीं थे, है ना, देवर लैगिंग बिहाइंड द वेस्ट, है ना, साउंड नहीं थे, मतलब देवर लैगिंग बिहाइंड द वेस्ट बेसिकली। फिर सोवियत इन्वेजन भी कर दिया और उनकी हालत ख़राब हो गई, तो मिखाइल गोबराचेव ने यह कहा कि भैया मैं इस सिस्टम को संभालूंगा, आई विल रिफॉर्म द सिस्टम ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड आई विल रिफॉर्म दिस। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज उस समय, अगर आपको पता हो, हाँ, तो अब इन्होंने जब ये गिनाना शुरू कर दिया कि भैया देखो आपकी प्रॉब्लम ये है, आपकी प्रॉब्लम ये है, तो दूसरी कंट्रीज़ को जो ये लगने लगा जो इसके ग्रुप में थे, वॉरसॉ पैक्ट के अंदर करते, बाकी आपको पता ना एक जैसे यहाँ पे मार्शल प्लान था अमेरिकन जो सुजरेनिटी के अंदर आ रहे थे, और ये वॉरसॉ पैक्ट स्टार्ट किया था किसने, ये रशिया ने स्टार्ट किया था, यूएसएसआर ने वॉरसॉ पैक्ट किया था इनको डेवलप करने के लिए। तो वॉरसॉ पैक्ट वाली जो कंट्रीज़ थी उनको लगने लगा कि भैया सारी हमारी मुसीबतों की जड़ ये यूएसएसआर है, क्यों, क्योंकि मिखाइल गोबराचेव ने कहा कि भैया का सिस्टम इतना खराब है। और मिखाइल गोबराचेव ने एक अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी एक ड्रास्टिक चेंज किया, उसने क्या कहा कि वो वेस्ट के साथ रिफॉर्म करेगा, मतलब उस समय अपने रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। उस समय वर्ल्ड में दो बहुत बड़े लीडर्स और थे, इंग्लैंड में थी आपकी मार्गरेट थ्रेचर और अमेरिका में आपका रोनाल्ड रीगन है, तो रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थ्रेचर, इनके साथ उसने मतलब खूब बैठ के पार्टी वार्टी करना, दारू पी रहा है वहीं पर बैठ के उनके साथ, है ना, ये सारी चीजें कर रहा है। तो ये लोगों को पसंद नहीं है, उनको ये लगा कि यार देखो खुद ये बैठ के यहाँ पे झूम रहा है उनके साथ और हम लोग को बोलते हैं कि हम मार्शल प्लान के अंदर ना जाए, उनके अंदर कहते ना जाए। तो यहाँ पे एक इंटरनल एक राइवेलरी शुरू हो गई और अपने ही लीडर्स के अगेंस्ट, ऐसी जो कंट्रीज थी ना, ये जो बाल्टिक स्टेट्स थे और ये सब, इन्होंने अपने ही कंट्रीज के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच हैपेंड।
और गोबराचेव ने तीन सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स किए, जिसमें एक था पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पूरा जो सिस्टम था उसको रिस्ट्रक्चर करना, देन ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस, ग्लासनोस्ट वॉज द ओपननेस, एंड देन डेमोक्रेटिज़िया, याद रखिए डेमोक्रेटिज़िया मतलब डेमोक्रेटाइजेशन, तो रिस्ट्रक्चरिंग माना पेरेस्ट्रोइका, देन ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस, एंड डेमोक्रेटिज़िया यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन, एंड इन तीनों से उसने बिल्कुल सोशल पॉलिटिकल और जो आपका फॉरेन पॉलिसी था इन सबको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करना शुरू कर दिया, और इसके पॉलिसी में ये था कि वो अपने रिलेशन ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ बना करके रखेगा, है ना, और न्यूक्लियर आर्म्स को एंड कर देगा, ठीक है ना। तो इस कारण से फिर बाद में आपको पता है 1991 में एक कू हो गई, जिसके बाद फिर ये फाइनली डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर होता है, तो ही वॉज अ वेरी की एलिमेंट इन दैट डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो लोग वैसे कहते हैं, कई लोग जो उसके सपोर्टर्स हैं कहते हैं ही वॉज वेल अहेड टाइम, बट पुतिन ऐसा नहीं मानता। अगला जो आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 अ मिक्स्ड बैग। अब अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के पास एक बिल पहुंचा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है ना। अब ये क्या है, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं विच आर देयर जिनके अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स कहना है कि भैया पावर हमसे ले ली गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो है ये प्रपोजल जिसके अगेंस्ट उठा रहे हैं आवाज़, वो ये है कि एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस किसी एरिया के लिए। देखो अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है कि एक एरिया में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होता है। एज ऑफ नाउ एस इन अ सेपरेट एरिया देर इज ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको कि डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको कि लाइसेंस दिया जाता है किसी, मतलब एक एरिया एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही सर्विस करती है। अब जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस देने की बात कर रही है। तो अब होगा क्या कि द लाइसेंस विल बी डीम्ड to have been granted if the state electricity regulatory commission does not take any action within the stipulated time. तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर stipulated time में state electricity regulatory commission जो है वो कोई response नहीं देती है, तो अगर किसी ने apply किया है license के लिए तो उसको ये distribution का license दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये बड़ा सवाल है कि क्या ये center government अपनी मतलब power को encroach कर रहा है कि नहीं। तो ये encroach नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि center is well within its right to suggest additional license because power is a concurrent subject. जो power होता है, ये power यानी electricity वाला जो power है, power जो है ये concurrent subject है। concurrent subject का मतलब होता है कि ना केवल state बल्कि center भी उस पे legislate कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये पूछें कि क्या मल्टीपल लाइसेंस फीजिबल है एक एरिया के लिए, तो वो एक इशू है। मल्टीपल लाइसेंसेस फीजिबल नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, क्रॉस सब्सिडीज देखने को मिल रही हैं, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मेकिंग इट वेरी वेरी गुड कंडीशन फॉर मल्टीपल लाइसेंसेज फॉर अ सिंगल एरिया। हाँ, लेकिन अगर आप पूछें कि क्या इनकी पावर नहीं है, तो यस इट इज़ वेरी मच इन देयर पावर बिकॉज इट्स अ पावर इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, इज नॉट स्टेट सब्जेक्ट, इट्स अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर कुछ क्लॉज और हैं लेकिन जिसमें कि एससीआरसी यानी कि जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसको अंडरमाइन किया गया है, ठीक है ना। तो अब कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें अंडरमाइन किया गया है, तो पहला तो ये है सबसे पहले कि जो एप्लीकेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस चाहते हैं ऑफ मोर देन वन स्टेट। अब ये समझना बहुत अच्छे अच्छे से, अगर कोई प्लेयर है अगर एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए उसको लाइसेंस चाहिए तो वो सेंटर के थ्रू वो लाइसेंस उसको मिलेगा, सीईआर के थ्रू उसको लाइसेंस मिलेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के थ्रू मिलेगा, ना कि एससीआरसी के थ्रू। हालांकि ऑथर ने कहा कि भाई भले उनको एक से ज्यादा स्टेट का लाइसेंस चाहिए लेकिन उनको लाइसेंस ग्रांट करना एससीआरसी के ही हाथ में रहना चाहिए जो वहां का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। दूसरा जो है द बिल गिव्स प्रोविजन एम्पावरिंग द सेंटर टू गिव डायरेक्शंस डायरेक्टली टू द एससीआरसी। अभी तक क्या होता था, देखो अगर सेंटर को कोई डायरेक्शन देना है एससीआरसी को तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देती थी डायरेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट फिर वो डायरेक्शन देती थी आगे एससीआरसी को, लेकिन अब उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया है कि सीईआरसी जो है वो डायरेक्टली जो है सीईआरसी वाया स्टेट वाया सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली वो रिकमेंडेशंस दे सकता है एससीआरसी, यानी कि सीईआरसी रहेगा, सीईआरसी इन्वॉल्व रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगा और सीधे फिर आपका एससीआरसी इन्वॉल्व रहेगा, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास ही कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे इंक्रोच किया उन्होंने। थर्ड, बिल स्टेट्स दैट एससीआरसी चेयरपर्सन विल नाउ बी अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी एन एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल। तो यहाँ उन्होंने कहा कि एससीआरसी का जो चेयरमैन रहेगा ही विल बी अ
नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक तरीके से सेंटर जो है वो SERC के अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। अब क्या बिल में कोई अच्छा पॉइंट भी है? तो यस, बिल में अच्छे पॉइंट है। होता क्या था अभी तक, जैसे एक पावर परचेज एग्रीमेंट होता था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया कि आप जनरेट करो और डिस्ट्रीब्यूट करो हमें, ठीक है ना। अब अगर कोई पावर परचेज एग्रीमेंट से वापस कोई स्टेट गवर्नमेंट जा रही है, मतलब कि उसको ब्रेक करती है कि नहीं हम आपका ये पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, तो अगर उसमें कोई रीनिगोशिएशन अगर हो रहा है तो उन्होंने ये कहा है कि बिल ने ये कहा है कि अफेक्टेड पार्टी को 90 दिनों के अंदर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप रीनिगोशिएट करते हैं बीच में पावर परचेज एग्रीमेंट को, स्पेशली अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, तो और ज़्यादा इसमें ध्यान देना है, स्पेशली विद द रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स, तो आपको 90 दिनों के अंदर उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेकंड, नए टैरिफ जो है दे हैव टू बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहले क्या होता था, SERC का जब मन होता था बीच में फाइनेंशियल ईयर के बीच में वो लगा देते थे, है ना, कि भैया अब नए टैरिफ लागू होंगे। और यहाँ पे ऐसे टाइम पे जो डिस्कॉम्स थे उनके पास फुल रेवेन्यू, मतलब उस ईयर का फुल रेवेन्यू वो पा नहीं पाएंगे, है ना। इस कारण से जो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होती थी, दैट वॉज द प्रॉब्लम, कि फाइनेंशियल के बीच में तो भैया पैसा फंसा हुआ है तो कैश फ्लो प्रॉब्लम रहती थी। तो अब उन्होंने कहा कि भैया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही आपका ये जो भी टैरिफ है, नए रेवेन्यू है, वो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा बिल ने ये भी प्रपोज किया कि रिडक्शन ऑफ द टाइम फॉर प्रोसेसिंग टैरिफ पिटीशन। अगर कोई टैरिफ पिटीशन है तो पहले 120 दिनों का टाइम रहता था उसमें, टैरिफ पिटीशन 120 दिनों से घटा करके अब 90 डेज तक का कर दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो वेलकम स्टेज, प्रोसेसिंग जो टैरिफ पिटीशन है। फोर्थ है, रेगुलेटरी कमीशन हैव बीन गिवन सुओ मोटू ज्यूरिसडिक्शन इफ टैरिफ पिटीशन आर नॉट फाइल्ड within 30 days of stipulated time, है ना। एंड मतलब रेगुलेटरी कमीशन के पास ये पावर है, रेगुलेटरी कमीशन है कि जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन के पास ये पावर रहेगा कि अगर कोई टैरिफ पिटीशन नहीं दायर किया गया है, आर नॉट फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम, तो फिर सुओ मोटू ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, फिर वो ज्यूरिसडिक्शन जो रहेगा वो उस खुद कमीशन का रहेगा, दैट विल बी द पावर ऑफ द कमीशन, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन फिफ्थ जो बिल है, बिल टॉक्स अबाउट इंश्योरिंग अ पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिफोर डिस्पैच। मतलब कि बिल ने कहा है कि भैया एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म लेकर के आओ डिस्पैच से पहले, मतलब कि पावर डिस्पैच करने से पहले एक प्रॉपर आपके पास पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि आपकी गारंटीड होनी चाहिए कि अगर कल को मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आपको कम से कम पेमेंट तो मिले, है ना, और ड्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यू ना रहे, है ना, अनटिल अनलेस देयर इज अ बिग प्रॉब्लम अराइजेस, हाँ वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बिल प्रपोजेस टू गिव मोर टीथ टू द नेशनल लोड डिस्पैचर। तो जो नेशनल लोड डिस्पैचर है, ग्रिड के मैनेजमेंट के लिए उसको ज़्यादा पावर देने की बात कही गई है, तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। आगे हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्वेज कैनाल। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वेज कैनाल बीच में कल अवरुद्ध हो गई थी, 2021 में भी यही देखने को मिला था कि स्वेज कैनाल बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ शिप कंटेनर शिप। तो स्वेज कैनाल की अगर बात करें तो 1858 में यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनल कंपनी थी, इट वॉज टास्क्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट द कैनल फॉर 99 ईयर्स, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया था कि जो राइट्स हैं दे वुड बी हैंडेड ओवर टू द इजिप्शियन गवर्नमेंट। तो डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड अटेम्प्ट्स बाय द ब्रिटिश एंड टर्क्स टू हॉल्ट द कंस्ट्रक्शन, कैनल कंप्लीट हो गई फाइनली कब आपकी 1869 में। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1869 में। फिर फ्रेंच एंड ब्रिटिश हेल्ड मोस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कैनल कंपनी एंड द ब्रिटिश शेयर्स यूज देयर पोजिशन टू सस्टेन द मैरिटाइम एंड कॉलोनियल सुप्रीमेसी, है ना। तो अपनी सुप्रीमेसी ब्रिटिशर्स ने बनाई रखी, लेकिन ठीक है ना, तो 1954 में इजिप्शियन नेशनलिस्ट के कारण जो दो कंट्रीज हैं उन्होंने साइन किया 7-year ट्रीटी दैट लेड टू द विड्रॉल ऑफ फिर ब्रिटिश ट्रूप्स। फिर वहाँ से फाइनली ब्रिटिश ट्रूप्स 1954 के बाद जब 7-year एग्रीमेंट हुआ उसके बाद फिर ब्रिटिश ट्रूप्स वहाँ से हटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वर्ल्ड का 12% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो इसी कैनल से हर साल पास करता है। कैनल इजिप्ट में है, कनेक्टिंग पोर्ट सेड ऑन द मेडिटेरेनियन सी टू द इंडियन ओशियन वाया द इजिप्शियन सिटी ऑफ स्वेज ऑन द रेड सी, ठीक है ना। तो याद रखिए कौन कहाँ पर है, पोर्ट सेड आपका मेडिटेरेनियन सी में है, पोर्ट सेड कहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक है ना। इजिप्शियन सिटी ऑफ स्वेज कहाँ पर है, रेड सी में है, उसको कनेक्ट करता है टू द इंडियन ओशियन, ठीक है ना। दैट वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्ट सेड को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से लेकिन वाया द सिटी ऑफ स्वेज जो कि रेड सी में। तो इन तीनों को ही कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से, मेडिटेरेनियन और रेड सी को कनेक्ट ही तो कर रहा है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ट्रेवलिंग टाइम जो हमारा इंग्लैंड जाने का था वो बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दिस इज द मेडिटेरेनियन सी
ठीक है, ये पूरा बीच में आपका स्वेज कैनाल दिख रहा होगा, है ना, पोर्ट साइड आपको ऊपर दिख रहा होगा, मेडिटेरेनियन साइड पे सी पर है, फिर आपको ये नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज दिख रही होगी, द गल्फ ऑफ स्वेज जो फाइनली, और यहाँ पे आपका देखो स्वेज, द सिटी ऑफ स्वेज जो है, ये देखो सिटी ऑफ स्वेज है ना, दिस इज द ऑन द रेड सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। एंड ऊपर आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे दो चीज़ें और याद है, स्वेज कैनाल पे ही एक है ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, तो ग्रेट बिटर लेक ऊपर है, लिटिल बिटर लेक नीचे है, ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज है, नासा का जो मून मिशन है आर्टेमिस, वो किस गॉडेस के ऊपर है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन नासा ने हमेशा से ही गॉडेस गॉड्स का यूज़ किया है अपने मिशन के नामों में, जैसे कि एटलस एक मिशन है, एटलस मिशन आपको पता होगा, है ना, टाइटन मिशन आपको पता होगा, है ना, तो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। एंड ग्रीक माइथोलॉजी में टाइटन्स मतलब कि अनटेम्ड प्रिमोर्डियल फोर्सेज ऑफ नेचर बोलते हैं, और सैटर्न का जो एक मिशन था आपको पता है टाइटन सैटेलाइट है आपके उसकी आपके सैटर्न की, है ना, टाइटल क्या है, टाइटन क्या है, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, और एटलस मिशन क्या है, एटलस मिशन इज अ नासाज मिशन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा एटलस मिशन जो था वो नासा का मिशन था, दैट वाज नासा मिशन, एंड बाकी टाइटन मिशन आपको पता ही है कि जो सन का जो सैटर्न का टाइटन सैटेलाइट है उसके लिए है, एटलस भी अर्थ के लिए अपर एटमॉस्फेयर में कुछ स्टडी करने के लिए था मिशन। आर्टेमिस जो प्रोग्राम है दिस इज़ टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, द प्रोग्राम इज़ फॉर इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, 30% ऑफ इट्स इंजीनियर्स आर वुमेन, एंड आर्टेमिस वन मिशन विल कैरी द मैनिक्विंस डिजाइन टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन वुमेन बॉडीज, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नासा ये भी अभी मैनिक्विंस को ले जाकर के ये भी देखेगा कि जो वुमेन जो फीमेल एस्ट्रोनॉट्स उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिर देन नासा एक्सपेक्ट्स टू ब्रिंग द फर्स्ट वुमेन एंड पर्सन ऑफ कलर टू द मून ऑन आर्टेमिस 3 सम टाइम इन 2024, तो आर्टेमिस 1 में तो अभी मैनिक्विन और ये सब टेस्ट होगा, लेकिन आर्टेमिस 3 के थ्रू फाइनली फर्स्ट वुमेन एंड पर्सन ऑफ कलर विल बी गोइंग इन टू द मून। देन आर्टेमिस वॉज अ मेजर डीटी इन एंशंट ग्रीस, जो आर्टेमिस थी शी वॉज अ मेजर डीटी इन एंशंट ग्रीस, वर्शिप्ड एट लीस्ट एज अर्ली इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BC, है ना, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ जीएस, डॉटर ऑफ ज्यूस, ज्यूस की बेटी थी, द चीफ गॉड ऑफ द ओलंपियंस, ओलंपियंस का जो चीफ गॉड है ज्यूस उसकी बेटी थी, एंड आर्टेमिस वॉज अ वर्जिन गॉडेस ऑफ वाइल्डरनेस एंड हंटिंग, तो वाइल्डरनेस एंड हंटिंग की गॉडेस भी मानी जाती है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।